हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम जो मेंडल का दूसरा नियम कौन सा पढ़ रहे थे, पृथक्करण का नियम, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उस रूल में ये तो हमने देख लिया कि वो क्या होता है, क्या सिचुएशन होगी जिसको फॉलो करते हुए हमने बताना है कि उसके अंदर किस तरीके से जो सारी प्रोसेस है ना वो कंप्लीट होती है। क्योंकि हमने बोला कि हमने उसके अंदर पृथक्करण, मतलब वो युग्म विकल्प जो है ना, वहां पे उसका पृथक्करण किस तरीके से होता है वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें ना हमने क्या क्या एक अलग कंडीशन ली, बैक क्रॉस की, जैसे हमने आपको बताया था, जिससे मैं आपको वो टर्मिनोलॉजी बताई तब मैंने सारी चीजें यूज ली थी उस टाइम में। और वही चीजें मैंने आपको उस टाइम बोला था कि अगर आप अभी से क्लियर करते चलोगे तो आपको इजीली वहां से जब पढ़ाएंगे ना पूरा मैटर, तब आपको आराम से वो चीज दिमाग में रहेगी कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे उसी बैक क्रॉस में नेक्स्ट जो स्टेप आता है ना उसके बारे में। टॉपिक क्या चल रहे थे हमारे, मेंडल के नियम चल रहे थे, मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे। और कौन सा नियम चल रहा था, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको कहां तक बता दिया था, मैंने आपको बताया था कि बैक क्रॉस की प्रोसेस तो बैक क्रॉस की प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। बैक क्रॉस में क्या पढ़ेंगे हम, बैक क्रॉस आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि जब F1 पीढ़ी का अपने पेरेंट्स के साथ में क्या करा दे हम, हाइब्रिडाइजेशन करा दे या फिर हम उसका संकरण करवा दे, तो वो क्या कहलाता है, वो बैक क्रॉस कहलाता है। क्या करवाना है, F1 पीढ़ी का पेरेंट, जो पेरेंटल जनरेशन होती है उसके साथ संकरण करवाना। ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है आपको। आप सोचेंगे तो हमें पता है क्यों लिखा, वो इसीलिए लिखा कि बीच में ये काम आएगा, हमने सब कुछ मिला के कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, हमने इस प्रोसेस को फॉलो करना है कि हमने F1 पीढ़ी का अब उसके पेरेंट्स के साथ, उसके पूर्वजों के साथ, उसके जनकों के साथ क्या करवाना है, हमें संकरण करवाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप होते हैं इसके, कौन कौन से, टू टाइप्स होते हैं, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक है, आउट क्रॉस पढ़ लिया था, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसके अंदर अगर हम संकरण करवाते हैं तो कैसे पृथक्करण का नियम लागू होता है, जीनी प्रारूप, लक्षण प्रारूप कैसा होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, कौन सा ले रहे हैं सेकंड, हम टेस्ट क्रॉस, देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी क्या, उसकी बात करती हूं मैं। ये था, ये मेन था किसका, जो पृथक्करण के नियम था उसको फॉलो कर रहा था, है ना। ये तो है पेरेंटल और ये है F1 जनरेशन, ये है अप्रभावी, रिसेसिव है ये, डोमिनेंट है ये, प्रभावी। ठीक है, प्रभावी डोमिनेंट, अप्रभावी रिसेसिव। तो एक चीज मैंने आपको बताई, जनक का करवाना है तो F1 पीढ़ी ये है, इसका अब इसके जनकों के साथ में क्रॉस करवाना है, तो हमने पढ़ लिया था प्रभावी जनक के साथ बच कौन गया, अभी अप्रभावी बच गया, तो अभी हमें क्रॉस किसके साथ करवाना है, इसे अप्रभावी के साथ करवाना है। अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देना चाहें कि जो टेस्ट क्रॉस है
वो हम किसको कहते हैं? तो हम बता सकते हैं F1 पीढ़ी का संकरण जब उसके अप्रभावी, बच्चा कौन है अप्रभावी, तो उसी के साथ करवाएंगे। जब F1 पीढ़ी का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। लिख सकते हैं डेफिनेशन, यहाँ पे क्या करवाना है आपको? F1 पीढ़ी का अपने अप्रभावी जनक से संकरण करवाना है, अप्रभावी जनक से संकरण। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ये बता चुके हैं आपको, फिर भी आपको बता दिया है तो क्या बात बोलेंगे हम? बैक क्रॉस के अंदर सेकंड स्टेप किसका लिया हमने? टेस्ट क्रॉस का, कि यहाँ पे हम जो अप्रभावी जनक है ना उसका क्रॉस करवाएंगे, और प्रभावी का तो पहले करा दिया, वो आउट क्रॉस है। अब इसके अंदर हम सारी सिचुएशंस को फॉलो करते हुए चलेंगे कि जब हमने एक F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ करवाया था तब क्या हुआ था, अप्रभावी के साथ कराएंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट हमें मिलता है इसका, जीनोटाइप फिनोटाइप कैसा होता है। ठीक है, इसने बोला F1 पीढ़ी तो हम भी इसी की तरह से चलते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दूसरा वो बोल रहा है अप्रभावी जनक, तो हम भी लेते हैं क्या? अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक क्या होता है? जो F1 पीढ़ी में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। F1 पीढ़ी में प्रकट सारे पौधे कैसे बताए हैं हमने? लंबे बताए हैं, छोटे पौधे नहीं बताए हैं। सिचुएशन दूसरी है कि ये अवस्था विषम युग्मजी है। ठीक है, देखिए अब अप्रभावी जनक के साथ ये कौन प्रभावी, तो हमने ये बता दे स्मॉल टी जो लिए वो क्या लिए? अप्रभावी। तो अब हमें क्रॉस कराना है इसके साथ, क्या बोला? F1 पीढ़ी अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक, इसके साथ में क्या कराना है? संकरण करवाना है। तो हम करवाते हैं यहाँ पे संकरण, उसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने बोला टेस्ट क्रॉस, तो ये हमने पढ़ने के लिए तो ये सारी चीजें रखी हैं, ये पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर लक्षण प्रारूप, जीनी प्रारूप, किस कौन सा अनुपात होता है, किस किस टाइप का होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इस क्रॉस के बारे में कि ये क्रॉस हमने कैसे करवाना, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी लेना है, ये क्या है? अप्रभावी जनक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जानते हैं ये बात आप। और ये क्या है? ये F1 पीढ़ी है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। अब आपने क्या करवाना है, इनके बीच में क्रॉस करवाना है, तो वही बात है, युग्मक बना दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको तोड़ेंगे तो ओनली स्मॉल टी। ठीक है, अब आपने इनका क्रॉस करवाना है, तब क्या सिचुएशन बनेगी उसकी बात हम करेंगे। देखिए इसका क्रॉस ये तो ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया स्मॉल टी, अब आपने इसके बीच में क्रॉस करवाना है। ठीक है, वो चीज मैंने आपको बताई, इसको एक बार इससे, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बनाने का मतलब वही है कि आपने क्या करना है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या फिर आप एक तरीके से देखें, फर्स्ट में आपको इसके सामने का लिखना है, इसके सामने ले जाओ, इसके सामने ले जाओ, सभी का ये बनाते चलो। इसका अगर पूछता है तो आपको ये इसके सामने और इसके सामने का लिखना है। ठीक है, इसके नीचे इसका और इसके नीचे ये इसका, ये कंडीशन फॉलो करते हुए चलनी है आपको, कि आप बस ये बना लीजिए कि ये जहां पे भी आपको इस टाइप का चक्र अगर बनवाया जाता है तो आप इसको इस टाइप का क्रॉस बना के कर सकते हैं। अब देखिए वही चीज मैं यहां पे आपको फॉलो करके बताती हूं। हमने बोला आप ये कंडीशन करो, यहां पे कोने में बताते जा रही हूं किसको मिलाना है, तो इसका लिया कैपिटल टी, ये या स्मॉल टी। इसने बोला अभी आप क्या करो, अभी आप फिर से इसको बनाते चलो। ठीक है, मतलब ये लो यहां पे, इसका मतलब है ये और ये, इसका मतलब है ऊपर जो लिखा हुआ है टी, इसका मतलब जो बराबर वाला है वो टी, चाहे कैसा भी हो छोटा बड़ा। अब आपने क्या करवाना है, आपने इसके अंदर इधर का तो क्या आया स्मॉल टी, इधर का क्या आया स्मॉल टी, आ गया समझ में क्या कंडीशन हो। अब आप एक चीज मुझे यहाँ पे बताइए, आपको ये पौधे कैसे दिख रहे हैं?
हर चीज अपने आप में 100% होती है, बार बार से चलेंगे तो उस 100% में अगर रेशियो देखे तो आपको क्या दिख रहा है, वो चीज मैंने आपको बताई कि जब ये प्रभावी जनक साथ में रहता है तो इफेक्ट प्रभावी ही दिखाएगा, भले ही अप्रभावी साथ में है, भले ही दोनों प्रभावी हैं तो भी वही बात है, जो दूसरा वाला अप्रभावी है तो भी जो प्रभावी अपना इफेक्ट दिखाएगा। मतलब ये पौधे कैसे हैं, ये लंबे हैं, यहाँ पे दोनों छोटे हैं, तो यहाँ पे जब प्रभावी है ही नहीं तो हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे, अप्रभावी को ही देंगे। तो ये पौधे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर पहला रेशो लेते हैं 100% का, तो इसके अंदर आपको लंबे पौधे और छोटे पौधों का रेशो लेना है, ठीक है। तो 50% तो लंबे हैं और 50% छोटे, बताइए हर चीज अपने आप में 100% होती है, और यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के पौधे प्राप्त हुए हैं जो कि 100% में, उसमें आपने बांटना है, तो इसमें क्या है सिर्फ दो चीजें, तो 50% इसका और 50% इसका, 100 रुपए हैं, लेने वाले दो हैं, बोल रहे हैं बराबर लेंगे, तो क्या करेंगे दोनों को 50-50 दे दो, वही कंडीशन यहाँ कर दी। अब ये तो बात हो गई किसकी, कि हमने बोला 100% रेशियो होता है उसकी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें समयुग्मजीय अवस्था और विषमयुग्मजीय अवस्था की, ठीक है, दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं समयुग्मजीय अनुपात विषमयुग्मजीय। तो आप एक बात बताइए, आपको यहाँ समयुग्मजीय कितने दिख रहे हैं और विषमयुग्मजीय कितने दिख रहे हैं, सिचुएशन तो दो ही है, 100 रुपए हैं बांटने दोनों में है, तो 50% तो क्या है समयुग्मजीय है और 50% क्या है विषमयुग्मजीय है, क्योंकि हमने बोला लंबे पौधे 50% और छोटे पौधे 50%, ये एक नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे समयुग्मजीय विषमयुग्मजीय में देखिए, समयुग्मजीय मतलब समान है तो छोटे वाले समान है, अब लंबे कैसे लिखेंगे जब लंबे समान है ही नहीं तब, और यहाँ पे लंबे हैं लेकिन कंडीशन विषमयुग्मजीय है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये बात हो गई। अब अगला कौन सी चीज आती है जो जनरली पूछी जाती है इसके अंदर, कि इसका लक्षण प्रारूप और इसका जीनी प्रारूप, ठीक है, उसकी बात अब हम करते हैं। ये अब देख रहे हैं हम इसका क्या, इसका फीनोटाइप जो है वो क्या होगा। तो आप एक चीज बताइए, यहां पे क्या आपको कुछ अलग कंडीशन दिख रही है इनसे, यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन थोड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पे लक्षण प्रारूप में भी लंबे पौधे अनुपात छोटे पौधे कैसे हैं, 50-50% है, या फिर दो में देखे तो 1:1 है, ये 50% अनुपात 50%, वही बात है, आप इसको काट दो 1:1 आएगा, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप में आपको देखना है कि 50% पौधे लंबे होते हैं, 50% पौधे छोटे होते हैं, और वो चीज आपको क्लियर दिख रही है, वो आपको ऐसा भी नहीं है कि अलग से कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे बताना है जीनोटाइप के बारे में। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, कंडीशन क्या दिख रही है आपको, 50% उसी चीज को तो फॉलो कर रहे हैं, 50% विषमयुग्मजी लंबे हैं, विषमयुग्मजी लंबे हैं, और 50% समयुग्मजी हैं लेकिन कैसे हैं, छोटे हैं, ये स्मॉल टी हो रही है, ये तो कंडीशन है यहाँ पे। तो मैंने कुछ अलग थोड़ी लिखा, मैंने जो आपको यहाँ पे समझाया सिर्फ वही तो चीज लिखी है। तो ये इस तरीके से कौन सा क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। और एक चीज मैंने आपको बताया कि प्रभावी जनक अपना प्रभाव F1PD में दिखाता है, और जब प्रभावी जनक साथ में होता है तो वही प्रभाव दिखाता है, अप्रभावी अपने इफेक्ट नहीं दिखाता, तो नहीं दिखाया लंबा है पौधा, और जब दोनों अप्रभावी होगी तो सीधी सी बात है जो करेक्टर होगा वो शो करेगा क्या, अप्रभावी होगा। तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं, जो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप बराबर ही है, 50% पौधे लंबे 50% पौधे छोटे हैं। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखने, किसके अंदर, जो पृथक्करण का नियम है हमने बोला, तो बताइए यहाँ पे ये अलग हुए, क्रॉस करवाया है तो F2PD प्राप्त करिए, तो ये कंडीशन होती है। तो इस सिचुएशन को आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा,
और आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। अभी आपको बताना है कि मेंडल के नियमों में से द्विसंकरण पे आधारित कौन सा नियम होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई .com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको इंटरनेट पढ़ाई .com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।